ठीक है जी। हिमाचल में राजा इशपाल नाम के एक राजा हुआ करते थे, धन धान्य से परिपूर्ण चक्रवर्ती राजा थे, संसार की सारी दौलत उनके पास थी, लेकिन नहीं थी तो असली दौलत क्या बताई गई है? संतान नहीं थी। मंदिर गुरुद्वारे जाते लेकिन कहीं उनकी झोली नहीं भरती। साल में कितनी बार नवरात्रे आते हैं? दो बार, चार बार आते हैं। दो गुप्त होते हैं, नवरात्रे होते हैं। ये बातें किताबों में या कैसेट में नहीं मिलेगी, केवल जागरण में या भागवत में मिल सकती है। मिलके कहो जय माता की। चारों नवरात्रे में राजा स्पष्ट को पता चला हिमाचल के पास एक जिला पड़ता है कांगड़ा, जहाँ पर माँ ज्वाला देवी जी का मंदिर। कौन कौन गया ज्वाला जी, आप में से गया कोई? आप सभी को जय माता की। वहां कहते एक जगह नहीं भक्तो, माँ की बड़ी कृपा है, मुझ पर भी कृपा होती है हर वर्ष। वहां एक जगह ज्योत नहीं जग रही है माँ की, अनेकों जगह जग रही है। हकीकत बात है, कुंड में तो जल रही, कुंड के अलावा भी और कहीं जगह जल रही है। जब ज्योत के दर्शन किए राजा स्पर्श ने मन में ध्यान लगाया माँ ज्वाला का, और चारों नवरात्रों में एक वर्ष दो वर्ष लगातार कई वर्ष माँ के धाम जाता रहा। माँ प्रसन्न हुई। एक दिन राजा स्पर्श सो रहे, माँ ने स्वप्न दिया, रे राजा घबराना, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हो रे, और तू जो मांगना चाहता है मैं तुझे दूंगी। तेरे मन में जो संतान का सुख पाना चाहता है मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, आज से 9 महीने पश्चात तेरे यहाँ सुंदर सी कन्या का जन्म होगा। बोल सच्चे दरबार की। राजा ने स्वप्न देखा, आंखें खुली तो माँ को ना देखकर घबरा गया। रानी के पास गया, कहता महारानी माँ ने आशीर्वाद दिया है, हमारे यहाँ संतान का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होगा। आज के बाद तुझे कोई कार्य नहीं करना है, केवल आराम करना है। रानी कहती महाराज इतना बड़ा राज्य है कैसे सिमा लेंगे आप अकेला? कहते कुछ भी हो तुझे आराम करना है। बोल सच्चे। धीरे धीरे समय बीतता, वक्त तो 9 महीने के पश्चात राजस्पर्श की पत्नी के यहाँ एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता। बोल सच्चे दरबार की। कहते भक्तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक बहुत बुरी बात है, अगर भगवान हमारी एक मनोकामना सुन ले तो दूसरी मनोकामना सामने रख देते हैं। ऐसे राजस्पर्श के मन में मोह ने डेरा डाला और कहा माँ तूने एक संतान तो दी, अगर एक और संतान दे दे तेरी बड़ी कृपा होगी। बोल सच्चे। माँ ने कहा भाई इसमें क्या है? तथास्तु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा कुछ नहीं, तू चाहता है एक वर्ष के पश्चात तेरे यहाँ दूसरी कन्या का जन्म होगा। बोल सच्चे दरबार की। अगर कोई पंडित कह दे लगातार तुम्हारे यहाँ दो कन्या होंगी कैसा लगेगा? देखो जवान नहीं निकल रही, भगवान की हुआ है। क्या बात है, ताली बजाओ मेरी माँ की। भगवान कहते वक्तों कि जब हमारे तुम्हारे कन्या का जन्म होता क्या कहते हैं हम लोग? साक्षात किसने दर्शन लिए? कन्या ने, लक्ष्मी ने दर्शन दिए हैं। लक्ष्मी का जन्म हुआ है, माँ दुर्गे का जन्म हुआ है। जब किसी लड़के का जन्म होता कोई कहता गणेश ने या शंकर ने जन्म लिया, क्योंकि कन्या को लक्ष्मी का रूप बताया गया। भक्त जिस घर में कन्या नहीं होती वह देली कवारी रहती, क्योंकि भक्तों कहा गया है बेटे का सम्मान हो जग में क्यों बेटी का मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं। बोल सच्चे। और बेटा तारता है कुल को, बेटी दो कुल तारती है, सास ससुर और माता पिता के सपनों को साकारती है। इस दुनिया में कन्यादान के जैसा कोई दान नहीं, दुनिया वालों मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं। मिलके कहो जय माता। धीरे धीरे समय बीतता, भक्तों एक वर्ष के पश्चात राजा स्पर्श के यहाँ दूसरी कन्या का जन्म होता है। लेकिन जैसे उस कन्या का जन्म हुआ पूरे राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा छा गया। घबरा गए राजा, पंडित को बुलाते हैं, कहते हैं हस्तरेखा देखो, भाग्य देखो कैसी है मेरी कन्या। पंडित ने कन्या की हस्तरेखा देखी, कहते राजन जितनी जल्दी हो सके इस कन्या को मरवा दे, कटवा दे, कुछ भी कर, इस राज्य से बाहर निकाल। कहते क्यों? कहते राजन ये जो तेरी बड़ी कन्या है बड़ी सौभाग्यवती है, लेकिन छोटी कन्या बड़ी अशुभ नक्षत्र में जन्म लिया है रे, इसको तुझे बाहर निकालना पड़ेगा। कहते नहीं पंडित जी, कन्या की हत्या के कलंक का टीका मैं अपने माथे पर नहीं लगाऊंगा, कोई और उपाय तो बताओ। कहते ये तो करना पड़ेगा। कहते क्यों? कहते राजन इस जन्म से पूर्व ये दो बहनें हुआ करती थी, बड़ी बहन का नाम रेणुका, छोटी का नाम शैनका। बड़ी बहन एकादशी का व्रत किया करती थी। एकादशी के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? चावल। हाँ, चावल नहीं खाने चाहिए। चंचल स्वभाव की शैनका ही कहती बहन आज मेरा भी व्रत है, आप लोग नवरात्रि चल रहे किस किस का व्रत है? किसी का नहीं है। बोल सच्चे दरबार की।
हाँ नहीं रखना चाहिए व्रत, क्योंकि भगवान ने कहा व्रत नाम बरताने का, भूख लगे तो खाने का, खाने का। सारे कह दो। अच्छा नवरात्र में व्रत होते कितने हैं? नहीं नहीं, पर नौ व्रत कोई नहीं रखता, आठ कोई नहीं रखता, सब झूठ बोलते हैं। माँ कैसे रख लेंगे आठ? सप्तमी के दिन भोजन जिमा देते हैं, फिर कैसे आठ रख लिए? साढ़े सात भोजन रखते हैं, दोपहर को भोजन खा लेते हैं। अगले दिन कन्या जिमा देते हैं। हाँ तो माई जब कन्या जिमा दे तो आधे दिन में जिमा देना, सारे दिन में थोड़ी जिमा में। बोल सच्चे दरबार की, माई के प्यार की, सच्ची सरकार की और ना बोलने वालों की। हाँ इनकी जरूर जय कहो, क्योंकि भक्तों ये जो आपको रात मिली है ना, आप बड़े नसीब वाले हैं। बड़े से बड़ा करोड़पति से अपने घर में नहीं बुला सकता है, जिस पर इसकी कृपा होती है उसके घर जाती है। क्योंकि कहते हैं तमन्ना लाख करते हैं तमन्ना टूट जाती है, तमन्ना लाख करते हैं तमन्ना टूट जाती है। मेरी माँ के द्वार पर वही आते हैं जिसे ये माँ बुलाती है। बुलाया बहुत था, पीछे तक भीड़ती रात थी ना, लेकिन अब कौन बैठे हैं? जिन पर माँ की असीम कृपा वो लोग बैठे हैं। और जो कुछ लोग आए थे झांकी देखकर चले गए, कुछ भजन सुन के चले गए, और रहे से जो रह गए थे वो चाय और नाश्ता करके निकल गए। बोल सच्चे कहाँ छोड़ी थी कथा? नहीं है पति का व्रत। बड़ी बहन ने क्या चंचल स्वभाव की, छोटी बहन आती कहती आज मेरा भी व्रत है। कहती बड़ा सौभाग्य आज माँ ने तुझे सतबुद्धि दी, तूने व्रत किया है। ले टका पैसा ले जा बाजार से, कुछ पलाड़ लिया, टका पैसा लिया बाजार चली गई। चंचल स्वभाव की छोटी सी बहन है, कूदती दौड़ती भागती भी गई, भूख लग गई। भूख लगी जाकर के देखती ठेले पर मांस और चावल बिक रहे हैं, जाकर के मांस और चावल खा लेती, बहन के लिए लेकर के आती। शाम का समय हुआ, रैन का ने कहा शैन का मैंने तुझे व्रत के लिए फलाहार मंगाया था, क्या लाई है? कहती बहन मुझसे व्रत रहा नहीं गया, मैं तो खाया ही, लेकिन हाँ आपके लिए लाई हूँ, दरबार में रखा है। जैसे ही जाके रैन का उस पत्ते को हटा करके देखती उसके अंदर मांस और चावल, देखते क्रोधित हो जाती है। कहती शैन का आज तूने बड़ा नीच कार्य किया है और मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में तू नीच योनि को प्राप्त होगी। बोल सच्चे जयकारा बोलते रहो। 101,008 बार जय माता की बोल ली पूरी कथा में, पता भी नहीं चलेगा कब बोल दिया आपने। कहो सच्चे दरबार की कहा छोड़ी कथा? कहती बहन तूने जो श्राप दिया उसको मैं प्रसाद रूप में ग्रहण करती हूँ, लेकिन एक बात बता इस श्राप से मुझे मुक्ति कब मिलेगी? आप जब देखते होंगे जब छोटी बहन और बड़ी बहन में झगड़ा हो जाए, बड़ी बहन छोटी बहन को मार देती, बाद में उसे दया आती मैंने इसे क्यों मार दिया। नहीं हकीकत बात ऐसे ही दया आई रेनका को कि मैंने शैनका को श्राप किया। कहती बहन मैंने जो श्राप दिया वो तो मिथ्या होगा, नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन आज से तुझे मुक्ति पाने के लिए दोबारा मनुष्य जन्म लेने के लिए दो कार्य करने पड़ेंगे। चरणों में गिर गई शैनका। कहती बता बहन वे दो कार्य कौन से हैं? कहती पहला त्याग, दूसरा परोपकार। त्याग और परोपकार जिस दिन एक साथ दोनों कार्य कर लेगी तुझे फिर से मनुष्य का तन मिल जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। दोनों बहनों ने अगला जन्म लिया। अगले जन्म में बड़ी बहन बनी इंद्रलोक की अप्सरा, छोटी बहन क्या बनी? अच्छा हमारी 84 लाख योनि में सबसे नीची योनि कौन सी बताई गई है? इन्होंने बताया छिपकली। ताली बजाओ जोरदार इनके लिए, क्योंकि 84 लाख योनि भुगतने के बाद हमें मनुष्य का तन मिलता है और इसमें सबसे नीच योनि बताई गई है छिपकली की, जो कि दीवार पर रेंगती हुई पैदा होती है, कीड़े मकोड़े खा करके अपने परिवार का और अपना पालन करती है और दीवार पर रेंगती रेंगती सत्य गति को प्राप्त हो जाती है। एक समय की बात पांडव अज्ञातवास काट रहे थे। कितने वर्ष का था अज्ञातवास पांडवों को? एक वर्ष का। ताली बजाओ इनके लिए। हर कोई बताता 14 वर्ष का 12 वर्ष का। अज्ञातवास काट रहे थे पांडव। एक पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं, चादर बिछा करके विश्राम करना चाहते हैं। वहां आकाशवाणी होती, जैसे चादर बिछा रहे पांडव यहाँ सोना नहीं है, उठो, उठ करके यहाँ खुदाई चालू करो। खुदाई चालू करोगे यहाँ तीन पिंडियां निकलेंगी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करो, एक भव्य मंदिर बनाओ और 33 करोड़ देवताओं के भंडारे का आयोजन करो। पांडव आकाशवाणी सुनते हैं, वहां पर खुदाई चालू करते हैं। खुदाई चालू करी, वहां तीन पिंडियां निकलती हैं। कौन कौन गया आप में से वैष्णो देवी?
जय माता दी। वहाँ तीन देवी हैं, तीन पिंडी, कौन कौन सी माता है? सरस्वती, लक्ष्मी और काली माता। लक्ष्मी और सरस्वती, काली माता। और सरस्वती, लक्ष्मी, काली माता। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लोग वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन कई लोगों को नाम नहीं पता है माता का। और किसके इंतजार में बैठी है माँ? ये नहीं पता। कलयुग में कलयुग आराध्य किसकी पूजा करती है मेरी माँ? वैष्णवी। नौ दिन वो भी व्रत रखती है, इन नौ दिन उसने भी व्रत रख रखा है। किसके लिए व्रत कर रही है? भगवान राम के लिए। क्योंकि राम ने वचन दिया है, मैं कलयुग में कल के अवतार लेकर के आऊंगा, तब तुझसे विवाह करूंगा। बोल सच्चे दरबार की जय। अब हाँ, खुदाई की तीनों पिंडियां निकली। पंडित को बुलाया गया, प्राण प्रतिष्ठा की कि भव्य मंदिर बनाया गया। 33 कोटि देवताओं का भंडारे का आयोजन किया गया। सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन एक संत को निमंत्रण नहीं दिया। सबसे क्रोधी संत का नाम बताओ? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि। क्यों नहीं दिया उन्हें निमंत्रण? एक समय की बात, तपस्या कर रहे थे, कपिला नाम की गाय आती, उनके जल के कमंडल में मुख मार देती। क्रोध आया दुर्वासा ऋषि को, चिमटा उठाया, गौ के पेट में मारा, गौ हत्या हो गई। गौ हत्या का पाप लगा, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। और नहीं दिया तो क्रोध आ गया होगा। पक्षी का रूप धारण किया, मरा हुआ सर्प चोंच में दबाया, पहुंच गए कहां? जहां पांडव ने यज्ञ रचाया है, जहां पांडव ने यज्ञ रचाया है। और खीर के पकते हुए कढ़ाव में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब जो भी कोई खीर खाएगा उसका हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन उस सर्प को डालते हुए किसने देख लिया? वो दीवार पर रेंगती हुई छिपकली ने। याद आया उसे, आज मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी, 33 कोटि देवताओं पे परोपकार करूंगी, मुझे फिर से मनुष्य का तन मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही, तो मेरे पास दवाई है उसकी। आपको दवाई मैं अभी दवाई बता दूं, थोड़ी सी दवाई दे देता हूँ। ये जिनकी शादी होगी उन माताओं से पूछूंगा, ये बिंदी किस चीज की निशानी होती है? ताली बजाते रहने के लिए। लेकिन एक बात बताऊं माताएं बहनों, जब मेरी माताएं बहनें स्नान ग्रहण जाती है ना, तो ये सुहाग को शीशे पे चिपका दे ले, यहाँ चिपका हुआ, बोसी ले टुंटी पे चिपका हुआ, और बोसी का सुहाग जा रहा नाले में बहता, वो जा रहा रामपाल। जरा हाथ ऊंचे उठाओ, बिल्कुल सीधे हाथ करो, जो ऐसा करती है। अच्छा, सब करती हूँ, क्योंकि हंसो और हंसाओ। मेरी माँ को हंसते हुए बच्चे प्यारे लगते हैं, रोते हुए बच्चे नहीं लगते। एक बार सारे मिलके कहो माँ, सब बोलो माँ, अब कहो बाप। माँ कहते ही मुंह खुल जाता है, बाप कहते ही मुंह बंद हो गया, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं के मालकिन है माँ। बाप की याद पता कब आती है बाबूजी? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कब आती है। स्कूटी पे तीन जने बैठे हुए हो, सर पे हेलमेट ना, और सामने दी जाए सीपी वाले, जब कहते हो बाप रे 25,000 का चलान कटेगा। मिलके कहो जय माता की, जय माता की। इसलिए बुजुर्गों ने कहा, माँ के सामने कभी रोते हुए नहीं जाना चाहिए, पिताजी के सामने कभी हंसते हुए नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर माँ के सामने रोते हुए चले गए, मम्मी निकाल लेगी 1,000 का नोट, ले बेटे 3 महीने का रिचार्ज करा लिए, पापा से ना कहिए। उन्हें क्यों? अन्य तेरे पापा मुझे कह देंगे नहीं। और पापा के सामने हंसते हुए चले गए और कुछ नहीं, फटाके सारा दिन दांत ही फाड़ता फिर पढ़ने लिखने में बिल्कुल ध्यान दिया, क्योंकि तो बात है। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, किस वक्त कहां पर होते हैं कुछ पता नहीं, मेरे पापा घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते। अगर माँ स्वर्ग है भक्तों, माँ अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग का द्वार हमारा बाप है।
कौ सच्चे दरबार की, बोलो अपने अपने जन्म देने वाले मात पिता की। दुनिया भगवान को ढूंढती फिरती बद्रीनाथ केदारनाथ कश्मीर जम्मू, लेकिन भगवान कहाँ है? हमारे घर में। कौन है हमारा भगवान? हमारी माँ, हमारा बाप। लेकिन माँ बाप को कोई नहीं पूछता है। बद्रीनाथ में प्रसाद बांटेंगे, लंगर लगाएंगे, लेकिन माँ को एक गिलास पानी नहीं देंगे। भक्तों, में हरिद्वार से आया हूं, 28 दिन हो गए। मैं आपको हकीकत बात बताता हूं। एक पति पत्नी दो बच्चे और उनके साथ उनकी माँ हर की पैड़ी पर आई, हमारे सामने की बात है। उस बच्चे ने कहा, माँ मैं तेरे लिए अभी चाय लेकर के आ रहा हूं। आज 28 दिन हो गए, वो बच्चा अभी तक चाय लेकर के नहीं आया उस माँ के लिए। उस माँ के पास जो भी कोई आता है, हमने माँ तू कहां से आई, ले पैसे ले ले। उसने 7-8 हजार रुपए जमा कर रखे हैं, लेकिन उस माँ का दिल अब भी क्या कहता है, कहता है ये पैसे ले जाकर के अपने बेटे को दूंगी, मेरा बेटा आएगा तो। बोल सच्ची दरबार की, ऐसी होती है माँ, दुख में भी उसे अपनी बेटी की याद आ रही है। हमने कहा माँ तुझे वो छोड़ गया, कहते नहीं मेरा बेटा नहीं छोड़ सकता, वो भूल गया। इसलिए मैंने भजन लिखा वहां, एक याद आया मुझे, देखकर माँ को रोना आ गया। 80 साल की बुढ़िया है, बैठी रहती है हर की पैड़ी पर, अभी कंबल कुंबल हमने दी, उसे सुला देते हैं बिचारी को। एड्रेस पूछा, पूरा एड्रेस बताया, कहता नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आएगा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है दर दर मारा, उसे वक्त बला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आजकल की औलाद ऐसी हो रही, बोल सच्ची दरबार की। कहां छोड़ी थी कथा? सांप को उन्होंने छिपकली ने देख लिया था डालते हुए। कह रहे सांप को छिपकली ने देख लिया था, सांप की छोड़ी थी कथा? कह रहे सांप को छिपकली ने देख लिया डालते हुए। हम भी आए हैं शेरावाली को मनाने, हम भी आए हैं तेरी ज्योति जगाने, हम भी आए हैं वो, हम भी आए हैं भक्तो तुम भी आए हो, हम भी आए हैं यहाँ झगड़ा फैलाने की, दुर्गे मैया की। लेकिन भक्तों, छिपकली ने कहा अगर मैंने इसमें अभी छलांग लगा दी कोई फायदा नहीं होगा, जब पांडव इस खीर के कड़ाव के पास आएंगे तब अपने प्राण के त्याग करेंगे। कुछ ही देर के पश्चात पांडव उस खीर के कड़ाव के पास आ जाते हैं, खीर के कड़ाव के पास देख करके छिपकली कूद करके उस खीर के कड़ाव में अपने प्राणों का त्याग कर देती। सर्प भारी है, वो तो नीचे बैठ गया है तली में, लेकिन छिपकली हर की ऊपर तैर रही है। पांडव ने छिपकली को देखा, अरे दुष्ट, तूने 33 करोड़ देवताओं के भोजन को नष्ट किया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तेरा जन्म तो राजा के घर होगा, लेकिन लालन पालन एक नीच घराने में होगा। बोल सच्चे दरबार की जय। उन्हें राजा ने वो श्रापित कन्या है जिसने तेरे यहां जन्म लिया है, इसलिए कहता हूं इसको मरवा दे, कटवा दे, कुछ भी कर, राज्य से बाहर निकाल। कहते और कोई उपाय बताओ? कहते एक उपाय और है राजा, याद कर जब तेरी कन्या बड़ी होगी इसका विवाह संस्कार करेगा, दान दहेज दक्षिणा भी देगा। समझ ले आज अपनी बेटी को विदा कर रहा है, एक काम कर, लकड़ी का बड़ा बक्सा बना, चारों तरफ हीरे मोती सोना चांदी जड़ दे, और इस कन्या को उस बक्से में लेटा करके बहते हुए पानी में छोड़ दे, कोई भी पाल लेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। राजा ने ऐसे ही करते, एक लकड़ी का बड़ा बक्सा बनाया जाता, उसमें सोना चांदी हीरे मोती सब जड़ दिए जाते हैं। कन्या को लेटाया बक्से में, पानी में छोड़ने जा रहे हैं, और एक ही बात कहते हैं, उकल तलक जो गोदी में खेला किया, हाय उसको आज मैंने क्या दिया, कि कल तलक जो मेरी गोद में खेलती थी आज मैं उसको मृत्यु की गोद में सुला रहा हूं, मुझसे अभागा बाप संसार में कोई नहीं होगा। छोड़ दिया है कन्या, बह गया बक्सा, मिलके कहो जय माता की, जय माता की। बक्सा कुछ ही दूर बहाता, प्रातः काल का समय है, भोर का, इस समय कौन लोग जाते हैं बाबू जी? मछुआरे। मछुआरे नहीं, योगी, योगी भोगी सब, क्योंकि सबके 4 बजे पूजा करते हैं संत महात्मा। पंडित जी जागे हुए स्नान कर रहे थे, जैसी मन में विचार हुआ अगर ये बक्सा हाथ लग गया जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कह रहे हमें भी नहीं है। कहो सच्चे दरबार की, सारे कह रहे नहीं है।
लेकिन बक्से को पंडित जी जैसे ही पकड़ते बक्सा आगे को बह जाता है। घुटने तक पानी में गए थे पंडित जी, नाभि तक पानी आ गया, बक्सा नहीं पकड़ा गया। और आगे गए, छाती तक पानी आ गया, बक्सा नहीं पकड़ा गया। और आगे गए, गले तक पानी आ गया, बक्सा नहीं पकड़ा। कहते अब इससे आगे गया तो प्राण निकल जाएंगे। इतनी देर में मां की कृपा हुई, उसको पंडित जी को एक बाल्मीकि दिखाई देता है। बाल्मीकि समझते मेथर, अपने पशुओं को चरा रहा। आवाज देते, अरे भाई बात सुन। कहते क्या हुआ महाराज? कहते जरा ये बक्सा बाहर निकलवा। कहते किसका है? कहते मेरा। कह रहे आपका तो निकाल लो, मुझे क्यों कह रहे हो? कह रहे भाई भारी हो रहा, बाहर निकाल दे, इसमें जो भी माल होगा दोनों आधा आधा बांटेंगे। हाँ आप भी बांटेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बक्सा पकड़ने के पहले बहुत सच्चे दरबार की बक्से पर सब कह रहे बांट लेंगे, वैसे नहीं कहते। सारे कह दो, सारे कह दो जय माता की, मिलके कह दो जय माता की, एक बार और जय माता की। बाल्मीकि पंडित जी के चक्कर में आ जाता है। कहता ठीक है महाराज, बक्सा बाहर निकलवा दूंगा, लेकिन शर्त एक है, इसके अंदर जो भी सोना चांदी है वो आधा आधा बांटेंगे। कहते ठीक है, तू बक्सा तो बाहर निकलवा, वो तो बाद में देखेंगे बांटना है या नहीं बांटना। बक्से को बाहर निकाल लिया जाता है। अब बक्सा बाहर निकल गया, पंडित में और मेथर में झगड़ा हो गया। कहते भाई इसके अंदर जितना भी सोना चांदी वो तो है मेरा, क्योंकि बक्सा पहले मैंने देखा, बाहर का सब तेरा। बोल सच्चे दरबार की जय। और किस्मत की बात देखिएगा, वो जो बाल्मीकि है, मेथर है, उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। वक्त हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक बहुत भद्दा शब्द है, अगर किसी स्त्री के कभी बच्चा ना हो तो उसको हम लोग बांझ कह देते हैं। और वो स्त्री थी बाल्मीकि की, जिसके कभी बालक नहीं होता। बाल्मीकि रोज पड़ोस में से बालक लाता, पत्नी के बराबर में लिटाता, पत्नी को जब नींद आ जाती बालक वापिस कर। बक्से को बाहर निकाला गया, जैसे बक्सा खोला, बक्से के अंदर ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरे है, ना मोती है, उसके अंदर तो उससे भी अनमोल वस्तु साक्षात लक्ष्मी वहां कन्या विराजमान। बोल सकते दरबार। रोने की आवाज सुनी बाल्मीकि ने, कहते महाराज कौन है, क्या हुआ? कहते भाई इसके अंदर सोना चांदी नहीं, ये कन्या है। कहते महाराज ये सोना चांदी हीरे मोती सब आप ले जाओ, देना चाहते हो तो मुझे एक कन्या दे दो। पंडित ने कहा इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा, ले जा भाई कन्या तू ले जा। बोल सच्चे दरबार की जय। बाल्मीकि ने कन्या को गोद में लिया, चल दिया अपने घर की ओर। पत्नी को देखा, पत्नी को देखते ही गोद में बालक दे दिया। पत्नी कहती रहने दो स्वामी, इस प्रकार की दिल लगी ना करो, अब मैं बिना बालक के सोने की आदत डाल लूंगी, आप कब तक पड़ोस से दूसरों का बालक लाएंगे, किसी ना किसी दिन कोई मुंह बनाएगा। बाल्मीकि कहता नहीं भगवान, आज माँ गंगा ने ही हमें प्रसाद दिया है और ये हमारी अपनी कन्या है। इतना सुनते ही बाल्मीकि की पत्नी उस कन्या को अपने आंचल में समेट लेती, मानो उसकी हजारों साल की ममता उमड़ पड़ी हो। बोल सच्चे दरबार की जय। विकेट गिर गया पीछे। तो कहती है सर्वप्रथम एक काम करो, पंडित जी को बुलाओ, कन्या के हस्तरेखा दिखाओ, उसका भाग्य दिखाओ, नामकरण संस्कार कराओ। बोल सच्चे दरबार की जय। पंडित को बुलाया जाता है, सर्वप्रथम उस कन्या की हस्तरेखा देखी जाती, कहती बहुत बढ़िया कन्या है भाई। फिर कहते इसका नामकरण संस्कार करो। उधर राजा स्पर्श अपनी कन्या का नामकरण संस्कार कराते हैं, इधर बाल्मीकि राजा स्पर्श को कहते हैं, राजन तेरी कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, इसलिए आज से तेरी कन्या का नाम तारा रखा जाएगा। अम्मा सोना नहीं है। राजा स्पर्श की कन्या का नाम रखा गया तारा। कहते राजन तेरी कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया, इसका नाम तारा रखा जाएगा। इधर बाल्मीकि की कन्या का, कहते सुन तेरी कन्या का बक्सा पानी में रुक रुक कर बह रहा था, इसलिए तेरी कन्या का नाम आज से रुक्मण रखा जाएगा। क्योंकि पहले नाम ऐसे रखे जाते थे, कैसे? इतवार को हुआ इतवारी लाल, सोमवार को सोमी, मंगल को मंगलू, बुधवार को बुद्धू, वीरवार को वीरू, शुक्र को सन्नो, शनिवार को संतरेस। और दादियों के बड़े मिट्टे नाम हुए थे, इमरती देवी, मुंह में पानी आ जा रबड़ी देवी, बर्फी देवी, जलेबी देवी, होते थे ना ऐसे नाम। लेकिन आजकल कैसे नाम रख रहे हैं? मेरा नाम है मंगशीर की, मैंने कहा मंगशीर, प्यारा नाम है। और आजकल नाम रख रहे हैं टिंकू, शिंकू, टॉमी, पॉमी। एक का नाम तारा, एक का नाम रुक्मण। कहते भक्तों कन्या की जात बहुत जल्दी बढ़ती है, इतनी जल्दी लड़के नहीं बढ़ा सकते।
धीरे धीरे दोनों बहन बाल्यावस्था की ओर, बाल्य से किशोर अवस्था की ओर, किशोर से युवा अवस्था की ओर। कहते भक्त जब पिता के सामने कोई कन्या युवा अवस्था की ओर आती है तो उस पिता के कंधे झुक जाते हैं। ऐसे राजा स्पर्श के कंधे झुके, मन में विचार आया कन्या के सुयोग्य कोई वर ढूंढना चाहिए। राजा स्पर्श हिमाचल से चले विकास नगर के पास, आप लोग सभी जानते होंगे गांव पड़ता है हरबट, जो कि कभी हरिपुर के नाम से विकसित था। हरिपुर के राजा हरिचंद से रानी तारा का विवाह कर दिया जाता। बोल सच्चे, क्या नाम बताया मैंने? हरी, हरीश नहीं, हरीश नहीं, हरिचंद। लोग हरीश बताते हैं, हरीश नहीं, उसका नाम हरिचंद है। सौभाग्य की बात देखिए, जो राजा हरिचंद के यहां सफाई धुलाई का कार्य क्या करते थे, उस मेतर परिवार में रुक्मण का विवाह हो गया। बोल सच्चे, हो तेरी लीला का न पाया सौभाग्य की बात। सारे कहो जय माता दी। पंचमेवे का प्रसाद बाबूजी का। रुक्मण की सास की तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब होगी, रुक्मण को कहा, अरे रुक्मण बहू, आज मेरा स्वास्थ्य खराब है और राजा हरिचंद के यहाँ शादी ब्याह का घर है, वहां सफाई धुलाई करने जाना था, अभी हाथ की मेहंदी नहीं सूखी है रुक्मणी। सास की आज्ञा मानी। कहती सास, माता आप आराम करो, आपका कार्य करने मैं जाऊंगा। चल दिया वहां से अपने घर से राजा हरिचंद के यहाँ, सफाई धुलाई की, सफाई धुलाई करके वापिस आ रही थी। रास्ते में देखती है गुफा, गुफा के अंदर माँ की पावन जोत जगी है, माँ कालका का सुंदर भवन सजा। बोलो कालका मैया की जय। माता देखती पिछले पैर वापिस आ जाती। संध्या का समय हुआ, तारा आई। तारा ने मंदिर में पैर के निशान देखे, सभी दासियों को एकत्रित किया, बताओ किसकी हिम्मत हुई है मेरी माँ के मंदिर के अंदर जाने की, क्योंकि उस मंदिर के अंदर तारा के अलावा और कोई जा नहीं सकता था। सभी दासियों ने कहा, हमारी हिम्मत नहीं है महारानी, उठ जाओ सोनानी, को देखो गिर मत जाइयो, आपके मुंह कभी इनके ऊपर गिर जाओ फोन भी टूट जाएगा, यूं कर कर तो हो रहा काम। कहते महारानी हमारी हिम्मत नहीं है, हाँ हो सकता आज एक नई दासी आई थी वो गई। तारा कहती, जाओ उसके घर जाओ, उसे बुला करके लाओ। दासी दास पीछे पीछे जाते हैं, रुक्मण को बुला करके घर से लाते हैं। कहते रुक्मण, तुझे महारानी ने याद किया है। रुक्मण दासी दासियों के साथ आ जाती है। जैसे ही तारा रुक्मण को देखती है, पहचान जाती, कहती, हाथ पकड़ती, कहती, याद कर रुक्मण, आज से दो जन्म पूर्व की बात, तू मेरी बहन चैन का थी, मैंने तुझे श्राप दिया था। रुक्मण कहती, नहीं महारानी, मैं नीच जाती क्यों, अगर राजा ने सुन लिया मेरी नौकरी भी हटा देगा, मुझे मरवा देगा। हाथ से झपटा मारती है, घर चली जाती। बोल सच्चे, तारा कहती, दोबारा जाओ इसे बुला करके लाओ। दोबारा बुला लिया। कहती, देख रुक्मण, तू मान ना मान, तू है तो मेरी बहन, लेकिन आज से तेरा कार्य गंध की साफ करने का नहीं है, बल्कि मेरी माँ के मंदिर की सेवा करने का। बोल सच्चे। रुक्मण कहती, जैसी आपकी आज्ञा महारानी। नित्य प्रतिदिन रुक्मण माँ की, माँ के फर्श को अपनी बालों की झाड़ू बना करके फर्श पे झाड़ू लगाया करती है, अपने बालों को गीला करके मेरी माँ के फर्श पे पोछा लगाया करती है। बोल सच्चे दरबार की। धीरे धीरे समय बीतता है। वक्त आज जिस प्रकार रावत परिवार ने माँ का सुंदर भवन सजाया है, रुक्मण तारा के हाथ 24 घंटे ये भवन सजा रहता था, क्योंकि माँ कालका की अनन्य भक्त थी तारा। धीरे धीरे समय बीतता भक्तों, तो आप लोग एक बात मानते हैं, स्त्री जाति में ईर्ष्या बहुत होती है ना। अगर पड़ोस में कोई 1,000 की साड़ी ले आए, जब तक कोई 2,000 की लाने की उसकी रोटी हजम नहीं होती, उसकी रोटी हजम नहीं होती। हाँ मैं नहीं कह रहा, खुद कह रही हूँ। ऐसी ईर्ष्या होती है, इसमें कोई वो बात नहीं है बहन जी, श्राप मिला है। पहले माता बहन ने कहां तक सिंदूर लगाती थी, पूरी मांग भरती थी। क्यों? क्योंकि कहते थे जिसकी पत्नी की जितनी लंबी मांग हो, उसके पति की उतनी लंबी आयु होती। लेकिन आजकल कहां गई आयु, आजकल तो कोई मांग भरी नहीं थी। लिपस्टिक उठावे, एरो का निशान बनाया, स्टार चिपकाया, छज्जे से ढक लिया। कारण है उसका, क्योंकि श्राप दिया स्त्री जाति को महावीर हनुमान जी ने। एक समय की बात, माँ जान की मांग भर रही थी, हनुमान जी आए, पूछने लगे, माँ ये क्या कर रही है? कहते रहे हनुमान,
कहते हैं जिसकी पत्नी की जितनी लंबी मांग हो उसके स्वामी की इतनी लंबी आयु होती है। हनुमान जी सिंगार घर में गए, तसला उठाया, पूरा सिंदूर का सिर पलट लिया। कहने की माँ तूने तो केवल सिर में भरा था, मैंने तो शरीर में लपेट लिया, मेरे राम की कितनी आयु होगी, बोल सच्चे। माँ ने एक बात कह दी लांगुर जी, हनुमान जी आखिर तू रहा बंदर का बंदर। बुरा लग गया हनुमान जी को, कहा माँ सारा संसार मुझे बानर कहता बंदर कहता, बुरा नहीं लगता, आज मेरी माँ ने मुझे बंदर कह दिया, तो जा माँ आज मैं स्त्री जाति को श्राप देता हूँ। त्रेता द्वापर तक तो ये मांग भरेंगी, कलयुग में कोई स्त्री मांग नहीं भरेगी, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे माताओं बहनों, आप सभी देखते हैं। अगर सच बात हो तो आली बजाना, जबरदस्ती में करना, बोल सच्चे दरबार की जय। होए मत बजाओ, दो भजन कर रहे हो तुम मेरे ऊपर, ताली में ऐसा बजा दे। कुछ वर्ष के पश्चात रानी तारा के एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ रानी तारा का, तो रुक्मण को भी पता लगा कि रानी तारा के पुत्र हुआ है। मैंने बताया ना ईर्ष्या होती है स्त्री जाति में, कहा रानी तारा का विवाह एक साथ हुआ, मेरा एक साथ हुआ, उनके पुत्र हुआ, मेरे नहीं हुआ, क्या कारण है, रानी तारा से पूछना चाहिए। रानी तारा के महल में जाती, कहती महारानी तारा आज मैं आपके दर पर आई हूं, कुछ मांगने आई। तारा कहती मांग रुक्मण, क्या मांगना चाहती है। कहती देखना मना मत करना महारानी। कहती बोल तो तुझे चाहिए क्या। कहती महारानी तारा मैं एक पुत्र का प्रसाद चाहती हूं। तारा ने कहा क्यों नहीं, अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले एक बात सुन रुक्मण, तुझे पुत्र का प्रसाद मिलेगा, लेकिन उससे पहले तू वचन दे, जब तेरे यहां बालक होगा सवा महीने के पश्चात, तो माँ की पावन जोत अपने घर में जगाएगी, माँ का जागरण कराएगी, तब मैं तुझे प्रसाद दूंगी, बोल सच्चे दरबार की। रुक्मण कहती ठीक है महारानी, वचन देती हूँ, मेरे यहां बालक हुआ तो सवा महीने के पश्चात मैं माँ की पावन जोत अपने घर में जगाऊंगी, माँ का जागरण कराऊंगी। ठीक है, कहती एक काम कर रुक्मण, यहां पर आप लोग वैष्णो देवी गए हैं तो बीच में कौन सा मंदिर पड़ता है जहां पर अरदास लगाई जाती है, मिलके कहो जय माता की, नहीं पता, आदि कुमारी आप लोग वहां पहुंच गए आए, यहां पर एक अरदास होगी, क्योंकि ये बड़ी पावन अरदास होती, झोली भरने की अरदास होती, जिसकी भी जो मनोकामना है मांगना चाहते हैं और अरदास कराना चाहते हैं, पहली अरदास होगी रावत परिवार की, और इस अरदास का मतलब है कि आप जो भी मांगना चाहते हैं इस माँ से सच्चे मन से मांगेगा, मेरी गारंटी है, मेरी माँ सबकी